झारखंड के पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। और हालांकि आपको बता दें कि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद कल कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। हेमंत सोरेन को आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश देने की मांग को ठुकरा दिया है देश की सर्वोच्च अदालत ने। कोर्ट ने कहा है कि हम संवैधानिक अदालत को नियंत्रित करेंगे, हम याचिका पर सुनवाई को इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा है। तो देखिए, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वहां से भी एक बड़ा झटका लगा है। हरिवंश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हरिवंश, यहां पर देखिए, हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो कम होता नहीं दिख रहा है। कल ईडी के अधिकारी उनको रांची के पीएमएलए कोर्ट लेके आए थे और करीब 2 घंटे बहस चली थी, और उसी समय ईडी के अधिकारियों ने इनको 10 दिन के रिमांड की लेने की अर्जी कोर्ट में लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने पूरी सुनवाई नहीं की, क्योंकि इनका एक इसी केस का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दाखिल किया था। तो रांची के पीएमएलए कोर्ट को इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। इसको लेके कल कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में 1 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेजा, और कल हेमंत सोरेन को पुलिस जो है वो रांची के होटवार जेल लेके गई थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, जब वहाँ उनको किसी तरह का राहत नहीं मिला, फिर कोर्ट बैठी है और कोर्ट में काफ़ी देर बहस के बाद ईडी के तरफ से 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसको 5 दिन का सेंशन किया, और 5 दिन के ईडी रिमांड पे अभी हेमंत सोरेन हैं। तो कुल मिला के अभी जो है हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहा है। हरिवंश, अब अगला रुख क्या होगा हेमंत सोरेन और उनकी टीम का? अब सारा जो भी कुछ डिपेंड करता है वो ईडी के कार्रवाई पे करता है। 5 दिन बीतने के बाद ये लोग फिर अगली एक रणनीति तय करेंगे बैठ के कि आगे क्या करना है। जानकारों से सलाह मशविरा लेंगे, कानूनविद से सलाह मशविरा लेके अगली कदम ये लोग उठाएंगे, क्योंकि इनका जो फर्स्ट स्टेप था सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ से इनको राहत नहीं मिला। अब तो कुल मिला के अब कानूनविदों से राय लेने के बाद अगली रणनीति ये लोग तैयार करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि हाई कोर्ट में अब कब तक सुनवाई की उम्मीद है? हाई कोर्ट ने अभी तक किसी तरह का डेट नहीं दिया है, और हाई कोर्ट भी इसमें मतलब हस्तक्षेप करेगी या नहीं करेगी, अभी ऐसा कोई भी सूचना जो है हाई कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। और ईडी जिस तरह से रिमांड पर ली है, ईडी के 5 दिन रिमांड पूरे होने के बाद ही आगे की हमें लगता है कि कुछ इस पे ये लोग आगे बढ़ के और कुछ कर पाएंगे।